चलिए बात करते हैं आइशर के एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में। यह है साइलेंसर जिसको हम इट्स कहते हैं। इट्स का मतलब है एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ये BS4 का साइलेंसर है जो इस तरह का आता है। BS6 में दो तरह के साइलेंसर्स आते हैं, यह है इनलाइन टाइप और ये है बॉक्स टाइप। छोटी गाड़ियों में इनलाइन टाइप मौजूद होते हैं और बड़ी गाड़ियों में बॉक्स टाइप। मिलावट वाला डीजल डालने से ये TPF जल्दी फुल हो जाता है, यानी कि साइलेंसर में कार्बन की मात्रा जल्दी बढ़ जाती है जिससे साइलेंसर चुप हो जाता है और गाड़ी आइडलिंग स्पीड पे चली जाती है। साइलेंसर के फुल होते ही हमें क्लस्टर पे जो डिस्प्ले है उस पे इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। DPF 100% फुल होने के बाद हमें उसे डिसमेंडल करके क्लीन करना पड़ता है। इसको इस प्रकार से क्लीन करना ना पड़े इसलिए समय रहते ही हमें रीजनरेशन करना पड़ता है। रीजनरेशन का मतलब है जमा हुआ कार्बन को क्लीन करके बाहर फेंकना। इसे ड्राइवर द्वारा किया जा सकता। डैशबोर्ड पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। इस बटन को 10 सेकंड तक दबाइए, ऑटोमेटिक रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। रीजनरेशन स्टार्ट होते ही हरे रंग का एक सिंबल जलेगा और लाल वाली लाइटें ब्लिंक करने लगेगी। RPM 3000 पे चला जाएगा और इसको लगभग 20 से 30 मिनट का वक्त लगता है। प्रोसेस समाप्त होते ही ये वाला गेज जीरो पे आ जाएगा।